गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने लेसन 3 हाउ आर मिस्टेक लेड टू द नोबेल प्राइजेस चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। वर्ड मीनिंग हमने आपको होमवर्क में दिया था और रीडिंग करने के लिए कहा था। आप लोग अपने अपने बुक से रीडिंग कर लेंगे और अब हम एक्सरसाइज के देखते हैं जो आज आप लोग को करना है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ एक्सरसाइज बी, टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट है, वन ऑफ दीज एक्सप्लोजिव्स वॉज नॉट इन्वेंटेड बाई द एल्फ्रेड नोबेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड देखते हैं आप, द फर्स्ट ऑर्बिटरी फॉर एल्फ्रेड वॉज पब्लिश्ड। तो जो सबसे पहले एल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु की खबर जो थी वो कब हुई थी, सबसे पहली बार जो छपी थी उनकी कि उनकी डेथ हो गई है, तो वो कब हुआ था, बिफोर हिज डेथ। तो उनकी मृत्यु से पहले ही ये छप गया था किसी न्यूज़पेपर में कि उनकी डेथ हो गई है। थर्ड है, द फ्रेंच न्यूज़पेपर डिस्क्राइब हिम एज। जो फ्रेंच न्यूज़पेपर था उनको किस तरीके से डिस्क्राइब किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द मर्चेंट ऑफ डेथ। उनको मृत्यु का सौदागर कहा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ है, टिक द करेक्ट ऑप्शन का, टुडे द नोबेल प्राइज़ इज़ नॉट गिवन फॉर द फॉलोइंग फील्ड। आज के समय में जो नोबेल प्राइज़ है वो किस फील्ड में नहीं दिया जा रहा है, तो फर्स्ट इसका है लिटरेचर, बी ऑप्शन आर्ट, सी ऑप्शन फिजिक्स। तो हमने जब आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर, तो उसमें जो लास्ट पेज था उसमें दिया हुआ था। अगर आप लोग पेज नंबर 20 ओपन करेंगे अपने बुक का, तो उसमें देखेंगे किस किस फील्ड में दिया जाता है। तो हमारा लिटरेचर और फिजिक्स के फील्ड में तो दिया जाता है, लेकिन आर्ट के फील्ड में नहीं दिया जाता है। तो उसमें पूछा गया है किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, तो हमारा ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी आर्ट। एक्सरसाइज सी देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज़, ऑल इन्वेंसेस हैव टेकन प्लेस आफ्टर ड्यू हार्ड वर्क। तो ये क्या हो गया, ट्रू। सेकेंड है, अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड डायनामाइट बाई चांस। उन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था, तो ये क्या है, ट्रू। अल्फ्रेड नोबेल गॉट द चांस टू रीड हिज ओन ऑर्बिटरी। जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनको मतलब ऐसा चांस मिला कि वो अपनी खुद की ऑर्बिटरी पढ़ सकें, मतलब कि उनकी जो छपी थी कि हाँ उनकी डेथ हो गई है, तो उनको ऐसा चांस मिला था, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड इसमें दिया हुआ, थर्ड हो गया हमारा कंप्लीट। फोर्थ, अल्फ्रेड नोबेल यूज्ड हिज वॉज वेल्थ टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। जो उनकी बहुत ज़्यादा संपत्ति थी इससे वो पूरी दुनिया पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना चाहते थे, तो ये क्या है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये आंसर ट्रू। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या दिया है, द नोबेल फाउंडेशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1895। जो नोबेल फाउंडेशन था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1895 में। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था, नोबेल फाउंडेशन कब हमारा इस्टेब्लिश हुआ था, ये है ऑप्शन, ये ट्रू है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिक्स्थ है, सिक्स्थ वाला आप लोग देखिए, तब तक मैं देखती हूँ उसका आंसर जो हमारा है ट्रू तो है। सिक्स्थ है, द नोबेल प्राइज़ इज़ ऑल्सो गिवन फॉर पीस। जो नोबेल प्राइज़ है वो पीस के लिए भी दिया जाता है, तो इसकी क्या है, ट्रू है। तो ये हमारा ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया। जो ट्रू फॉल्स था उसमें सारे में ट्रू है, और जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है उसमें फर्स्ट वाले में बी है, सेकेंड में ए, फिर थर्ड में ए और फोर्थ में बी है। ये आज हम लोगों ने टिक द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू फॉल्स कंप्लीट किया। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे।